नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्कूल में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों दोस्तों जैसा कि इस वीडियो को मैंने पहले भी बनाया था, लेकिन अब वो वीडियो मैंने डिलीट कर दी है। मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि वीडियो में मैंने जितना भी बताया था वो सब तो ठीक बताया, बट एक छोटी सी मिस्टेक ही बहुत बड़ी मिस्टेक है। बस एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, क्योंकि मैंने उस चीज़ पे गौर नहीं कर पाई, मैं ध्यान नहीं दे पाई। बाद में जब मैंने ध्यान दिया तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने यहाँ पे एक गलत चीज़ बता दी, बस एक छोटी सी चीज़, वो जो कि बहुत बड़ी हो सकती थी। तो वीडियो को आगे स्टार्ट कर देती हूँ मैं। अगर आपने वीडियो देख ली है और या नहीं देखी है तो वीडियो को एंड तक देखना, हेल्पफुल रहने वाली है। बस एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी जिसको मैं इम्प्रूव कर रही हूँ इस वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे सामने PDF है जो कि मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। ठीक है, ये वाला जो PDF है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लेना। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है 2 करेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ना तो 2 सर्टिफिकेट कोई भी गेजेटेड ऑफिसर इशू कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप करना, ये जो पहला पेज है करेक्टर सर्टिफिकेट का, आप इसकी दो प्रिंट आउट करवा लेना। ठीक है, और जो गेजेटेड ऑफिसर होते हैं ना, हॉस्पिटल के CMO जो इमरजेंसी में बैठते हैं, ठीक है, आपके कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए, स्कूल के प्रिंसिपल भी चलेंगे, ठीक है, या जैसे कि तहसीलदार हो गए, SDM ऑफिस के मजिस्ट्रेट हो गए, आप आसपास का जो SDM ऑफिस होता है, आप ये सब वहाँ से करवा सकते हैं, क्योंकि वो Class 1 के गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, एंड अब दिखा देती हूँ, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन पता होगी लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। यहाँ पे क्या है, आपका नाम लिखा जाएगा, ठीक है, यहाँ आपका नाम आएगा, यहाँ आपका फादर्स का नेम आएगा। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे वो टाइम लिखना है जो गेजेटेड ऑफिसर आपके चीज़ को अटेस्ट कर रहा है, तो वो यहाँ पे यार टाइम लिखेंगे कि वो आपको कब से जानते हैं। ठीक है, तो वो आपसे पूछेंगे, आपका जो एड्रेस है आधार कार्ड पे, आपसे पूछेंगे आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं। आप जो भी टाइम बताएंगे ना वो यहीं पे वही लिखेंगे। अगर आप यहाँ पे 10 साल से रह रहे हैं ना अपने घर पे, तो आपको 10 साल लिख देंगे। अगर आप 50 साल से रह रहे हैं तो 50 साल लिख देंगे, जो भी आपकी एज है उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे वो। ठीक है, एंड यहाँ पे आएगा इंडियन है तो इंडियन, नेपाल से हैं तो नेपाल। ठीक है, जहाँ से भी हैं यहाँ पे वो आएगा सिटीजनशिप। ओके, अब इसके बाद नीचे जो है, यहाँ पे एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही है जिसमें गेजेटेड ऑफिसर के साइन होंगे विद स्टैम्प, समझ रहे हैं ना आप। और ठीक है, एक ही सबसे पहले जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है इसको गेजेटेड ऑफिसर ही अटेस्ट करेंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट की बात करती हूँ। यहाँ जो डिक्लेरेशन दिख रही है आपको ना, Declaration 1 और Declaration 2, ठीक है, ये तो आपको फिल करना है, आपको भरना होगा। लेकिन ये SDM ऑफिस के पास जो टाइपराइटर्स बैठते हैं ना, टाइपराइटिंग मशीन लेकर, वो एक एफिडेविट बनाएंगे 100 रुपये का, जिसे बोलते हैं नोटरी वाला एफिडेविट। ये वो बनेगा, जो ये आपको फॉर्म में दिख रहा है ना, वो एज इट इज़ एकदम डिट्टो कॉपी आपको एफिडेविट बना के देंगे, बस आपको ये दिखाना होगा। ठीक है, अब मैं बता दूं, यहाँ पे आपका नाम आएगा, यहाँ पे आपका फादर का नाम आएगा। ठीक है, अब मैं बताती हूँ मैंने क्या मिस्टेक की थी। बाय मिस्टेक मेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, मुझे मालूम तो था बट ध्यान नहीं रहा मैंने क्या बोल दिया। यहाँ पे मैंने बोला है गेजेटेड ऑफिसर के साइन होने हैं, बट यहाँ पे ये डिक्लेरेशन आपकी है। ठीक है, आपका साइन होगा, आपका नाम, आपका डेजिग्नेशन प्रेजेंट का, आपका एड्रेस, आपकी डेट और आपका ही प्लेस कि आप कहाँ से हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी। और वहीं Declaration 2 में भी सेम यही है कि आपका नाम आएगा, फादर्स का नाम आएगा, आपका नाम आएगा, फादर्स का नाम आएगा। फिर से मिस्टेक ये की थी, गेजेटेड ऑफिसर का नाम बताया था मैंने कि ये इन्फॉर्मेशन गेजेटेड ऑफिसर भरेंगे, जबकि इस इन्फॉर्मेशन को आपको फिल करना है। आपका सिग्नेचर, आपका नाम, आपका डेजिग्नेशन, एड्रेस, डेट, प्लेस, ये सब आपका होगा। ठीक है, ये जो मेरी मिस्टेक थी मैंने आपको ये इम्प्रूव की है। ठीक है, और जो डिक्लेरेशन है आप 100-100 रुपये के एफिडेविट बनवा लेना दोस्तों, और इसमें अपने नाम लिखवा लेना दोस्तों। अगर जो भी भूल चूक मुझसे हुई हो मुझे माफ़ कर देना दोस्तों, आगे से इस वीडियो कोई भी वीडियो बनाऊंगी, वैसे तो मिस्टेक होती नहीं है बट ये फर्स्ट टाइम जो मुझसे मिस्टेक हुई है, बहुत ही बड़ी मिस्टेक हुई है, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी दिल से। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो आप तक गलत पहुँची है मुझसे। आगे से ऐसा रिपीट नहीं होगा दोस्तों, ये मेरा प्रॉमिस है। तो आपको मैं और भी आगे वीडियोस देती रहूँगी सही जानकारी वाली। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। ओके, बाय।